ओम शांति। 17 मार्च 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज डेट है 12 दिसंबर 1998। आज की मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं, साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तखत नशीन बनाते हैं। जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। व्यर्थ या नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं। अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। देह का भान फिर भी हल्की चीज है लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को सदा प्रकृतिक पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं चाहे देश में चाहे विदेश में उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम
अविद्या भव, जिसका विश्लेषण है जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। आज की मुरली का स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। ओम शांति।